सच्चाई की जीत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाएंगे। राम और महेश बचपन के दोस्त थे और एक साथ खेलते हुए ही बड़े हुए, कॉलेज गए और साथ ही एक बिजनेस भी शुरू किया। दोनों दोस्त एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन दोनों में काफी अंतर था। जहाँ राम मेहनती और सच्चाई का साथ देने वाला था, वहीं दूसरी ओर महेश अपना काम दूसरों से करवाता था और चालाकी उसका स्वभाव था। राम के लाख समझाने पर भी वह सुधरता नहीं था। शुरू शुरू में दोनों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक से राम का बिजनेस लॉस में चला जाता है। राम मन ही मन बहुत परेशान होता है और अगले दिन अपने दोस्त के ऑफिस में जाता है। राम कैबिन के बाहर से महेश को आवाज देता है। महेश, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, अंदर आओ ना दोस्त। राम कैबिन के अंदर आता है और चेयर पर बैठ जाता है। और बताओ दोस्त, तुम इतने दिन बाद यहाँ मुझसे मिलने आए, कोई बात है क्या? हाँ भाई, अब तुमसे तो बात छिपी नहीं होगी कि मार्केट में मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं अब क्या होगा, इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। अरे राम, अब मैं अपने दोस्त को मना कैसे कर सकता हूँ? बस तुम्हें मेरी एक छोटी सी बात माननी होगी। धन्यवाद दोस्त, पर क्या है वो बात? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम अपने बिजनेस का आधा हिस्सा मेरे नाम कर दो, हम दोनों पार्टनर मिलकर बिजनेस को फिर से फायदे की ओर ले जाएंगे, क्यों? ठीक है ना? राम अपने दोस्त पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए वह उसकी बात मान लेता है और महेश के नाम पर अपना आधा बिजनेस कर देता है। कुछ ही महीनों में दोनों दोस्तों ने काफी मुनाफा कमाया। तभी एक अजीब सी बात राम के सामने आती है, जिसे सुन वह दंग रह जाता है। एक रात राम को अपने पुराने मैनेजर का फोन आया। सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो सर, मुझे पता चल गया है कि हमारी कंपनी कुछ महीने पहले लॉस में क्यों गई थी। क्या? सच में? जल्दी बताओ। सर, कुछ महीने पहले हमारी कुछ जरूरी फाइल्स दूसरे कंपनी तक पहुँच गई थी और हमें नुकसान हो गया था। क्या? और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? सर, मुझे भी इस बारे में कुछ समय पहले ही पता चला है। बताओ अब, ये सब कैसे हुआ? माफ करना सर, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ये फाइल्स आपके लैपटॉप से लीक हुई है। मैनेजर, होश में भी हो? तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? सर, शायद आपके लैपटॉप में किसी और ने ये किया हो। हाँ, ये हो सकता है, पर कौन? राम सोच में पड़ जाता है और अगले दिन अपने दोस्त से इस बारे में बात करता है। उसका दोस्त कहता है, क्या राम, तुम भी किस मैनेजर की बातों में आ रहे हो? मुझे तो लगता है कि उसी ने कुछ गड़बड़ की है और अब डर से किसी और पर वह इल्जाम लगा रहा है। राम दोनों की बातों पर गौर करता है और बहुत सोचने के बाद उसे एक आइडिया आता है। वह महेश और मैनेजर को कैबिन में बिठाता है और कहता है, मुझे सच का पता चल गया है, तुम दोनों में से किसने ये किया है। उसने देखा कि यह बात सुनकर मैनेजर तो शांत बैठा है, लेकिन दूसरी ओर उसके प्यारे दोस्त महेश के पसीने छूट रहे थे। राम अब सच जान चुका था। उसने कैमरे में कैद हुए वीडियो को सबके सामने दिखाया। वीडियो में महेश ही था जिसने यह सब गड़बड़ किया और बाद में राम के बिजनेस का आधा हिस्सा भी मदद के बहाने ले लिया। राम पुलिस को बुलाता है और क्योंकि अब सारा सच सामने आ गया था, इसलिए महेश अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। इससे हमें सीख मिलती है कि सच छिपाने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन सच हमेशा जीत ही जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? जरूर बेहद पसंद आई होगी। तो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना वैल्यूएबल सजेशन कमेंट करें। धन्यवाद।